लाल किले पर तिरंगा फहराने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बड़े ऐलान किए। देश के भविष्य का खाका खींचा तो आम जनमानस से जुड़े मुद्दों पर भी प्रमुखता से बात की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सेना के आधुनिकीकरण और उसकी कार्यक्षमताओं को और बेहतर बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का भी ऐलान किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से थल सेना, वायुसेना और नौसेना को एक जैसा प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की इस घोषणा को सैन्य सेवाओं में सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। सबसे पहले अटल सरकार के दौरान 1999 में करगिल जंग के बाद पहली बार एक समिति ने CDS की सिफारिश की थी। इसके बाद सैन्य संसाधनों के रिफॉर्म्स पर काफी चर्चा हुई, इसे लेकर कई रिपोर्ट भी आई। एक समस्या करीब करीब हर रिपोर्ट में सामने आई। कहा गया कि तीनों सेनाओं का जल, थल और नव में सामंजस्य काफी बेहतर है। किसी भी भारतीय को इस पर गर्व होगा। लेकिन आज जैसे दुनिया बदल रही है, जिस तरह से तकनीकी व्यवस्थाएं बन रही है, भारत को इसमें कहीं रुकना नहीं चाहिए। सेनाओं को एक साथ आगे बढ़ना होगा। जल, थल, नव में एक आगे चले, दूसरा दो कदम पीछे हो, ऐसा नहीं चल सकता। अब नए वक्त में सबको साथ चलना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS 5 सितारा जनरल होगा, जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना के ऊपर रैंक का होगा। सूत्रों के मुताबिक वर्तमान सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को ये महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक एक शीर्ष स्तरीय समिति नवंबर तक CDS के तौर तरीकों और भूमिका को स्पष्ट करेगी। चीफ ऑफ डिफेंस पद पर बन जाने के बाद युद्ध के समय तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित हो पाएगा। युद्ध के समय सिंगल पॉइंट आदेश जारी किया जा सकेगा, जिसका मतलब तीनों सेनाओं को एक ही जगह से आदेश जारी होगा, जिससे सेना की रणनीति पहले से अधिक प्रभावशाली हो जाएगी और कोई भ्रम की स्थिति नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।